हेलो इवन आई होप यू आल आर डूइंग गुड आज हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 तो हम सेक्शन वन से सेक्शन फोर आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं तो आपका जो ये एक्ट है एक्ट नंबर सेवेंटी एट है देखिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्ट नंबर वगैरह तो ध्यान रखिएगा एक्ट नंबर सेवेंटी एट है अब हम बात करें ये एक्ट कब लागू हुआ तो इसकी असेंडेड डेट बोलो या फिर एनफोर्समेंट डेट बेसिकली असेंड मतलब प्रेसिडेंट की असेंड मिली और एनफोर्समेंट मतलब होता है ये लागू कब से हुआ दोनों ही डेट सेम है 21 दिसंबर 1956 आपको लगा के आना है अगर केस एग्जाम में पूछ लिया जाए तो अब मैं आपको एक ट्रिक भी यहां पर दे देता हूं कि इसको कैसे याद रखें कि ये एक्ट इक्कीस दिसंबर उन्नीस में आया है अब देखिए मुझे मालूम है ऑलरेडी इतने सारे एक्ट हैं हिंदू मैरिज एक्ट है आपका गार्जियन एक्ट हो जाता है फिर सक्सेशन एक्ट हो जाता है तो सबकी डेट थोड़ा इधर उधर फ्लक्चुएट करती है तो, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ सी ट्रिक है अब अगर आपको ऐसे ही याद हो जाए तो वैसे भी कर सकते हो अदरवाइज मैं आपको ट्रिक बता देता हूं देखिए कुछ नहीं करना है आपको जो उन्नीस सौ छप्पन है आपको एक और छह को ऐड करना है और नौ और पांच को ऐड करना है अब आप एक और छह को ऐड करोगे तो आपको सात मिलेगा और वहीं आप नौ और पांच को ऐड करोगे तो आपको फोर्टीन मिलेगा और इन दोनों का आप टोटल कर लोगे तो आएगा ट्वेंटी वन तो आपकी डेट तो आ गई ट्वेंटी कैसे आएगा देखिए अब हमें कुछ नहीं करना है मेंटेनेंस को हमें देखना है कि ये अगर हम मेंटेनेंस गिनते हैं तो इसके अंदर कितने लेटर हैं टोटल देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह टोटल ग्यारह लेटर है अगर हम इसको मंथ में कन्वर्ट कर दे कि ग्यारह महीने लग गए इस इस मेंटेनेंस को को बनने बनने में में एक्ट तो ऑब्वियसली अगर ग्यारह महीने किसी चीज को बनने में, में, तो में लगे तो लागू जो है नेक्स्ट मंथ से होगा है ना उसके पहले तो हो नहीं सकता है तो हम मान के चलेंगे कि बारहवें महीने में ये आपका एक्ट जो है लागू हुआ तो बारवा महीना कौन सा होता है होता है दिसंबर तो 21 दिसंबर इस तरीके से आपका आ सकता है देखिए कई लोगों को लग रहा होगा कि सर इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो और इन केस जिनको याद नहीं हो रहा है तो ट्रिक तो है ही सही किसी भी तरीके से याद करो बस याद होना चाहिए तो इक्कीस दिसंबर उन्नीस को आपका ये एक्ट बना उसके बाद हम बात करें प्रियम्बल की तो प्रियम्बल बात करता है कि जो हिंदू से रिलेटेड जो एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के लॉज हैं उसको अमेंड और कोडिफाई करने के लिए

तो तो ये तो हो गया कि आपका एक तरीके से ओवरव्यू इस एक्ट का अब हम बात करें सर ये बता दो कि एडोप्शन मतलब क्या है हम शुरू कर रहे हैं तो मालूम तो होना चाहिए कि मतलब क्या है तो देखिए बैरेट के अंदर आपको कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी बट यहां पर आपके लिए मैं अलग से निकाल के लाया हूं अडोप्शन मतलब होता है एक लीगल प्रोसेस होती है देखिए आप एडोप ऐसे नहीं कर सकते हो राह चलते किसी को भी उठ, घर उठा के लेके आ गए एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस होती है ठीक है एप्लीकेशन वगैरह फाइल करना होता है बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं उसके बाद ही अडॉप्ट किया जाता है तो अडॉप्शन क्या एक लीगल प्रोसेस है जिसमें राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक चाइल्ड की वो ट्रांसफर होती हैं उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से टू अडॉप्टिव पेरेंट्स अब ये समझना बहुत जरूरी है कि बायोलॉजिकल पेरेंट मतलब क्या है और अडॉप्टिव पेरेंट मतलब क्या है देखो बायोलॉजिकल पेरेंट मतलब बेसिकली जिन्होंने पैदा किया जिनका डीएनए आपके खून में दौड़ रहा है वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है ठीक है अब जो चाइल्ड को ट्रांसफर किया जा रहा है बायोलॉजिकल पेरेंट से अडोप्टिव पेरेंट मतलब जो अडोप्शन कर रहे हैं जो अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चे को उनको हम कहेंगे अडॉप्टिव पेरेंट्स तो जिनको अडॉप्ट करा जा रहा है जिस बच्चे को तो जो कर रहे हैं उनको अडॉप्टिव पेरेंट्स कहेंगे यहां पर और जिनका डीएनए आपके खून में दौड़ रहा है आपकी रगों में दौड़ रहा है वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं जिनने बर्थ दी होती है ठीक है तो आई होप क्लियर होगा तो यहाँ पर बायोलॉजिकल पेरेंट्स से पेरेंट्स के पास बच्चा जा रहा है तो साथ में सारे अधिकार अधिकार्सिबिलिटीज भी चले जाते हैं तो देखिए सोल ऑब्जेक्टिव हम बात करें अडोप्शन की तो वो क्या है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड बेसिकली यहाँ पर अडोप्शन क्यों किया जा रहा है अगर किसी को किसी बच्चे को आपने मूवीज में देखा होगा कि ऐसे सड़क पर छोड़ दिया जाता है फिर उसको अनाथ आश्रम भेजा जाता है कई लोग आते हैं जिनको बच्चे की जरूरत होती है जिनको बच्चा नहीं हो रहा होता है तो वो अडॉप्ट करते हैं तो देखिए ये क्या होता है बेसिकली एक दूसरा मौका देना होता है कि उस बच्चे को कि उसका पूरा जीवन पड़ा है वो फ्यूचर है हमारी कंट्री का राइट तो सोल ऑब्जेक्ट क्या है अडोप्शन का कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड कि चाइल्ड के भले के बारे में यहाँ पर सोचा जा रहा है तो आई होप आपको एडोप्शन की डेफिनेशन तो क्लियर होगी आगे बढ़ते हैं सेक्शन वन बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में तो देखिए ये हर सेक्शन हर एक्ट में यही होता है पहला सेक्शन बड़ा ही सिंपल है एक्ट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और ये लागू होना है पूरे पूरे भारत पर संपूर्ण भारत पर आपका ये एक्ट जो है लागू होता है देन आगे बढ़ते हैं सेक्शन टू एप्लीकेशन ऑफ दाइज इसको आप स्टार मार्क कर लें जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके इस एक्ट का पूरा का पूरा एक्ट इस पर डिपेंड करता है बात करता है कि एक्ट एप्लीकेबल किस पर होगा किस पर लागू होगा ये एक्ट तो बात करता है कि ये एक्ट जो है अप्लाई होता है टू एनी पर्सन उस व्यक्ति पर जो कि हिंदू है बाय रिलीजियन फिर भले ही से वो किसी भी फॉर्म या किसी भी डेवलपमेंट में हो जैसे कि इंक्लूडिंग विराशवा अलिंगायत और अ फॉलोवर ऑफ ब्रह्मा प्रार्थना और आर्य समाज को भी भी फॉलो करता है तो उसको हिंदू कैटेगरी में यहां पर लिया गया है कि मतलब बेसिकली वो भी हिंदू स्पेशली यहां पर इन्होंने वर्ड यहां दिया हुआ इंक्लूडिंग अब देखिए हम बात करें विरा शिवा की मतलब तो बेसिकली जो वर्शिप करते हैं शिव भगवान को ठीक है उनको कहते हैं तो वैसे ही यहां पर यहां पर स्पेशली इंक्लूड किया गया है तो कई बार एमसीक्यू में ये चीज पूछ ली जाती है तो इसको आप Uh, करके इसको ध्यान से पढ़िएगा कि साथ ही साथ लिंगायत और अ ब्रह्मा प्रार्थना और आर्य समाज वो उन पर भी ये एक्ट लागू होगा दूसरा बात करता है बुद्धिस्ट जैना और सिख बायीजियन वो व्यक्ति जो कि बुद्धिस्ट है जैन है या सिख है बाय रिलीजियन उन पर भी ये एक्ट आपका क्या होगा एप्लीकेबल होगा सी पॉइंट सी वाला जो क्लॉज है बात करता है टू एनी अदर पर्सन मुस्लिम क्रिस्चियन पारसी और जू अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कई लोग यहाँ पर आगे कंफ्यूज हो जाते हैं कंफ्यूज नहीं होना सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो मुस्लिम है क्रिस्टियन है या पारसी या जू है बाई रिलीजियन अगर इन चार कैटेगरी में आता है तो उस पर यह एक्ट लागू नहीं होगा उसके अलावा कोई व्यक्ति है तो उस पर आपका ये हिंदू एडोप्शन एंड मेंस एक्ट अप्लाई होगा अनलेस अब देखो यहां पर उन्होंने एक एक दे दिया स वो जो व्यक्ति है वो ये प्रूव कर दे कि हिंदू लॉ से वो गवर्न नहीं होता या फिर कस्टम या यूसेज द्वारा वो गवर्न नहीं होता तो उस पर ये एक्ट लागू नहीं होगा अदरवाइज वो सारे व्यक्ति अदर देन मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी और ज्यू बाई रिलीजन उन सब पर ये एक्ट लागू होगा आई होप क्लियर होगा आपको जो मैंने समझाया आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन यहां पर बात करता है कि फॉलोइंग पर्सन आर हिंदू बुद्धिस्ट जैन और सिख बाय रिलीजियन मतलब ये जो व्यक्ति हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं ए बी डबल बी सी ये सब कौन है हिंदू है बुद्धिस्ट है जैन या, है या सिख है बाय रिलीजियन अब कैसे कैसे देखिए कोई भी बच्चा एनी चाइल्ड वो लेजिटिमेट हो जायज हो या ना जायज हो लेजिटिमेट हो या इन हो और जिसके पेरेंट जिसके क्या है बोथ पेरेंट्स की बात कर रहा है मतलब मदर फादर दोनों ही क्या है हिंदू हैं बुद्धिस्ट है जैन है सिख है तो ऑब्वियसली बच्चा भी इन्हीं में से कुछ होगा ठीक है देन बी एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इनलेजिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट्स मतलब दोनों में से कोई एक भले ही से मदर हो या फादर हो वो हिंदू है बुद्धिस्ट है जैन है या सिख है और साथ ही साथ ये एंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बात करता है एंड ट्राइब कम्युनिटी और ग्रुप और फैमिली मतलब मान के चलो कि मदर हिंदू थी तो मदर ने उसका ब्रॉट अप up, उसकी अप्रिंगिंग कैसे करी है एज अ हिंदू करी है वो उसको मंदिर लेकर गई है उसने उनको उस धर्म के बारे में सिखाया है सारी चीजें फॉलो कराई हैं तो उसको हम कहेंगे कि उसका एज अ ब्रॉट अप कैसे हुआ एज अ हिंदू ब्रॉट अप हुआ है ठीक है तो इसीलिए उसको भी हम हिंदू बुद्धिस्ट जैन सिख जो भी जिस भी जो भी मदर का रिलीजन होगा जिस भी उन उन्होंने जैसा भी ब्रॉटअप किया है उसको वैसा माना जाएगा देन डबल बी आपका बात करता है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इनलेजिटिमेट हु हैज बीन अबेंडेंट अबेंडेंट मतलब बेसिकली जिसको छोड़ दिया सड़क पर ठीक है अबेंडन कर दिया गया उसके फादर और मदर दोनों द्वारा ठीक है या फिर या फिर या तो उसके पेरेंटेज का पता नहीं है कि इसके पेरेंट्स कौन है ठीक है एंड हिंदू बोलता है ऐसा कोई चाइल्ड वो लेजिटिमेट हो या legitimate हो जिसको अबेंडन कर दिया उसके फैमिली द्वारा उसके फादर उसके मदर द्वारा और या फिर उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है एक दिन बस सड़क के किनारे मिला ठीक है और फिर उसको अनाथ आश्रम ले गया या उसकी

पहले वो हिंदू था वो कन्वर्ट हो गया और फिर वो रिकनवर्ट होकर हिंदू बुद्धिस्ट जैन सिख बनता है तब भी उस पर ये एक्ट लागू होगा तो आई होप कि आपको एप्लीकेबिलिटी के बारे में तो कोई डाउट नहीं होगा कि इस एक्ट के एप्लीकेशन किस किस पर होगा कौन कौन इन्होंने इंक्लूड किया गया है जब भी स्पेसिफिकली कुछ इंक्लूड किया जाता है ना थोड़ा सा उसको ध्यान से पड़िएगा क्योंकि क्वेश्चन में बनने के चांसेस भी वहीं से होते हैं राइट right? एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि अनलेस वर्ड यूज किया गया है तो कुछ ये एक्सेप्शन यहां पर दे रहे होते हैं तो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको ध्यान देना है आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन टू है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन वन मतलब सबसेक्शन वन में जो भी कुछ दिया हुआ है उसके होते हुए भी नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शाल अप्लाई टू एनी मेंबर्स ऑफ ट्राइब बात करता है कि में जो भी दिया हो हटाओ उसको अभी फिलहाल आपका जो ये एक्ट है ये अप्लाई नहीं होगा स्केड्यूल ट्राइब पे अब बोले स्केड्यूल स्केड ट्राइब मतलब तो इन्होंने बोला कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 366 के 25 क्लॉज में जो दिया हुआ है वही से मतलब यहां पर स्केड्यूल ट्राइब का लिया गया है तो कुल मिलाकर उन्होंने बोला कि ये स्केड्यूल ट्राइब पर अप्लाई नहीं होगा बट वहीं पर उन्होंने एक एक्सेप्शन दे दिया यहां पर अनलेस करके लिखा हुआ है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो उस पर लागू कर सकती है अनलेस दी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में अगर वो नोटिफिकेशन निकाल दे और ऐसा लिख दे कि आज से एप्लीकेबल होगा स्केड्यूल ट्राइब पर भी हिंदू एडोप्शन तो वो लागू हो जाएगा आई होप आपको क्लियर है अगर क्लियर है तो फटाफट -फड़ एक थम्स अप कर दो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में स्पेशली इतनी क्लैरिटी से समझाने में राइट देन सबसेक्शन थ्री बात करता है एक्सप्रेशन हिंदू जो वर्ड यहाँ पर हिंदू वर्ड यूज हुआ है तो इन्होंने बोला है कि कहीं पर अगर ये वर्ड यूज हुआ है तो इसमें क्या इंक्लूड किया गया है इसमें वो व्यक्ति भी इंक्लूड किया गया है जो कि रिलीजन द्वारा हिंदू नहीं है मतलब कोई व्यक्ति रिलीजन से हिंदू हिंदू नहीं है तब भी उसको हम मानेंगे पर कब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जब उस पर ये एक्ट जो है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस को शॉर्ट में लिखते हैं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अगर उस पर अप्लाई होता है भले ही से उसका जो है वो हिंदू नहीं है वो हिंदू नहीं है बाय रिलीजन बट ये एक्ट उस पर अप्लाई होता है तो उसको हम यहाँ पर हिंदू मानेंगे ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है कई लोग यहाँ पर चूक कर जाते हैं आपको ध्यान रखना है यहां पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट शाल बी कंस्ट्रूड ऐसा समझा जाएगा जैसे कि उसमें क्या इंक्लूड है एज इफ इट इंक्लूडेड रिलीजन रिलीजन हिंदू नहीं है इस में जो प्रोविजंस कंटेंट है वो उस पर अप्लाई होते हैं इसलिए उसको भी हम हिंदू मानेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलिए आई होप क्लियर होगा आगे बढ़ते हैं सेक्शन थ्री डेफिनेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट देखिए इंपॉर्टेंट होती है अंदर बहुत सारी चीज वहां पर मैंशन होगी तो हम उनका मतलब क्या समझेंगे तो इसलिए डेफिनेशन में वहां पर एक्सप्लेनेशन सॉर्ट ऑफ दिया होता है सारी चीजों के बारे में कि इसका मतलब ये है इसको हम ये कहते हैं इसका यहाँ से लिया गया है राइट right. तो सबसे पहले उन्होंने बताया जो एक्सप्रेशन है जो वर्ड यूज किया गया है कस्टम या यूसेज ये क्या सिग्निफाई करते हैं ये क्या बताते हैं कोई भी रूल में तो तो इन्होंने बोला कि कस्टम यूसेज बेसिकली क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो जो प्रथा होती है जो चली आ रही होती है हमारे पुरखों के जमानों से कुछ चीज चली आ रही है हमारे कास्ट में सोसाइटी में उसको मानते हुए आ रहे हैं वो बेसिकली कस्टम बन जाता है हाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो रीजनेबल होना चाहिए ना कि अनरीजनेबल पहली चीज वो रीजनेबल होना चाहिए दूसरी वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए मतलब लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो तो वो कस्टम बनने के लिए बेसिकली हम कहें एलिजिबल होता है कि भाई लॉस को कस्टम मानेगा बट कोई अनरिजनेबल चीज होगी तो ऑब्वियसली उसको नहीं बनाया जाएगा नहीं माना जाएगा तो यहां पर बात करता है और वो चीज कंटिन्यूअसली फॉलो करते हुए आनी चाहिए राइट कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली उसको काफी लंबे समय से ऑब्जर्व किया जा रहा हो तो हम उसको कस्टम यूसेज मानेंगे तो बेसिकली देखो क्या होता है ना आपने एक वो मूवी का डायलॉग सुना होगा एक मूवी थी इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम आई गेस जिसमें वो एक डायलॉग नहीं है कि हम खानदानी गरीब हैं ऐसा नहीं कि पहले अमीर थे फिर गरीब हो गए फिर अमीर हो गए नहीं नहीं हम खानदानी गरीब तो क्योंकि हम खानदानी गरीब है हमारा बाप गरीब दादा गरीब परदादा गरीब उसका बाप गरीब सब गरीब सातो पुष्टा गरीब ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए नहीं हम शुद्ध गरीब हैं राइट right, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली मतलब क्या है कि यहां पर कंटिन्यूसली चलते हुए काफी लंबे समय से वो चीज चलते हुए आनी चाहिए ऐसा ना हो कि बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया पहले मानते थे फिर नहीं माना फिर मानने लग गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए इट हैज नॉट बीन डिसकंटिन्यूड बाय द फैमिली तो इसको आप रीड कर लेना बड़ा ही सिंपल सा यहां पर लिखा हुआ है तो इस एक्सप्रेशन कस्टम यूसेज को उन्होंने यहां पर समझाया है आगे बढ़ते हैं बी के बी क्लॉस के ऊपर बेसिकली तो बात करता है maintenance के बारे में maintenance मतलब क्या है अब देखो आपने वो डायलॉग तो सुना होगा कि लाइफ में क्या चाहिए रोटी कपड़ा मकान तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है maintenance के लिए क्या है इन ऑल केसेस प्रोविजन फॉर फूड मतलब रोटी क्लोथिंग मतलब कपड़ा रेसिडेंस मतलब मकान अब साथ में देखिए जैसे जैसे इवॉल्व होते गए अब बढ़ते गए आगे तो एजुकेशन मेडिकल अटेंडेंस ट्रीटमेंट भी इंक्लूड हो गया राइट तो मेंटेनेंस इंक्लूड्स फूड क्लोथिंग रेसिडेंस, एजुकेशन मेडिकल टू हर मैरिज उसकी शादी वादी करवाने में जो भी खर्चा रीजनेबल एक्सपेंसेस आएंगे वो भी मेंटेनेंस में बेसिकली इंक्लूड माने गए हैं इसलिए यहां पर देखिए स्पेशली क्या मेंशन किया गया अनमेरिड डॉटर राइट आगे बढ़ते हैं सी वाला बात करता है माइनर के बारे में माइनर कौन है आपको मालूम है आपने इंडियन मेजोरिटी एक्ट एटीन सेवेंटी होगा तो भी आप जानते हो माइनर मीनस अ पर्सन जिसने कंप्लीट नहीं की एज अठारह साल का वो नहीं हुआ है तो उसको हम माइनर कहते हैं आई होप क्लियर है आगे बढ़ते हैं सेक्शन फोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए कई बार क्या होता है ना ऐसे सेक्शंस को हम छोड़ देते हैं लगता है कि थोड़ा टफ भी और इतना कुछ इंपॉर्टेंट लगता नहीं है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओवर इफेक्ट के बारे में बात करता है नाम से ही आप लोग देखो आप लोग स्मार्ट हो आपको समझ में आ जाता है ओवर इफेक्ट है इस एक्ट का मतलब कि कोई एक्ट अगर इस एक्ट से क्लैश करेगा तो किसकी चलेगी इस एक्ट की चलेगी मतलब अगर कोई एक्ट फलाना बोलता है कि गंगाधर और शक्तिमान दो अलग अलग लोग हैं और आपका ये एक्ट बोलता है कि गंगाधर और शक्तिमान एक ही है तो क्या मानेंगे कि गंगाधर और शक्तिमान एक ही है। चलिए इसको रीड करते हैं देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में एक सेविंग क्लॉज दिया है आई होप आप ये जानते ये जानते सेविंग क्लॉज कहते हैं इसको सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट ठीक है कि अगर कोई टैक्स रूल या इंटरप्रिटेशन हिंदू लॉ का कोई कस्टम कोई यूसेज इस एक्ट के आने से पहले इमीजिएटली बिफोर दि कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट

जब तक सही सही चल रहा है तो तो बढ़िया बट जहां पर इनकंसिस्टेंट मतलब क्लैश आया वो कुछ ही बोलता है ये कुछ बोलता है तो वहां पर किसकी चलेगी इसकी चलेगी और वो सीज हो जाएगा पुराना वाला एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बोलता है सेव अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट अगर कहीं कुछ और दिया है तो भाई ठीक है हम सुन रहे हैं एनी टेक्स रूल या इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ या फिर कोई कस्टम या यूसेज एज पार्ट ऑफ दैट लॉ कुछ कस्टम कुछ usage, कुछ रूल कुछ इंटरप्रिटेशन हिंदू लॉ के बारे में था वो सीज हो जाएगा में आना मतलब वो कुछ बोलता था अब पर यह बोल रहा है ना आपका जो हिंदूनेस एक्ट है उस बारे में अब यह बोल रहा है तो वो पुराना कुछ बोलता था और अगर इनकसिस्टेंट है या कुछ है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता आपका तो ये एक्ट है ना आपको बस इसके प्रोविजंस पढ़ने हैं पुराना जो कुछ है भूल जाओ इसको कहते हैं ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट आई होप क्लियर होगा तो हिंदूस पर अगर कोई पुराना भी एक्ट लागू होता था और वो इनकंसिस्टेंट भी है तो भी वो एक्ट सीज हो जाएगा और साथ ही साथ अगर कहीं इंटरप्रिटेशन कुछ रूल कुछ टेक्स्ट कुछ अलग बताया गया है प्रीवियस एक्ट में आपको वो नहीं मानना है आपको तो बस ये एक्ट फॉलो करना है ये है आपका सेक्शन फोर ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट आई होप क्लियर होगा समझ में आया है थम्स अप जरूर करके जाइएगा कमेंट करके बताइएगा और इस एक्ट को हम पूरा कवर करने वाले हैं तो आप इसको प्लेलिस्ट में से जाके आप वन बाय वन सारे इसके सेक्शंस पढ़ सकते हैं सारे वीडियोस देख सकते हैं थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय